हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़े से वृत्त तथा दूसरे टुकड़े से क्या बनाया जाता है? वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वृत्त एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्र न्यूनतम। देखो, आपको क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर एक लंबा तार दिया गया है। ये जो तार है इसको आपको दो भागों में डिवाइड करना है। एक तार से आपको क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। एक तार से आपको क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। और वर्ग और वृत्त इस प्रकार से बनाने हैं कि जो इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या रहे? न्यूनतम रहे। तो इसको करने के लिए देखो, मैं मान रहा हूँ कि जो वृत्त है वो r त्रिज्या का बना रहा हूँ। तो माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तथा वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। तब वर्त व वर्ग का सम्मिलित परिमाप क्या होगा? देखो, क्या होगा सम्मिलित परिमाप? देखो, वर्त का परिमाप क्या होता है? परिधि। और परिधि क्या होती है? 2πr। तो इसकी तो होगी 2πr, ठीक है। और यहाँ से देखो, इसकी क्या होती है? 4 गुना भुजा। क्या होती है? 4 गुना भुजा। भुजा हमने x सेंटीमीटर मानी है, तो ये क्या हो जाएगी? 4 गुना भुजा मतलब x। और ये देखो, ये जो टोटल परिमाप आयाम वो क्या होगा? तार की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि इसके ही टुकड़े करके हमने क्या बनाए हैं? वर्त और वर्ग बनाए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? देखो, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या r की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, x की वैल्यू निकालेंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखो इसमें स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर रहेगा तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो पाई r प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 28। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 14। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो, पाई r प्लस 2x बराबर हो गया 14। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? देखो, x बराबर हो जाएगा आपके पास 14 माइनस पाई r बटे में 2। ये आपके पास x आ गया, ठीक है। अब देखो, हमको परिमाप से हमने x निकाल लिया। अब देखो, आपको जो संबंध देखना है वो किस में देखना है? क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, चूँकि वर्त व वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल a बराबर क्या होना चाहिए? देखो, वृत्त का क्या होता है, r अगर त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्या हो जाएगा अगर भुजा x है तो x स्क्वायर। यहाँ से अब x का मान इस समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 से मान ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? देखो, ये जो फंक्शन बनेगा वो r में चेंज हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ से ए आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? देखो,
अब आपको देखो ये आ गया समीकरण, ए आर में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको द्वितीय अवकलज परीक्षण से, तो पहले एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ए डेस आर आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, देखो टू पाई आर, आर के सापेक्ष किया तो, और इसका पहले घात का करेंगे तो ये हो जाएगा टू 14 माइनस पाई आर बटे दो, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो देखो ये एक बटा दो तो बाहर आ गया मान लो, और ये क्या हो जाएगा देखो 14 का तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के पाई बटे दो। ठीक है, दो से दो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से दो क्या हो गया कैंसिल आउट, और आप यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए डेस क्या आ जाएगा, ए डेस आर बराबर हो जाएगा टू पाई आर माइनस पाई बटे दो 14 माइनस पाई आर, इक्वेशन नंबर दो। दोबारा अवकलन कर देंगे तो दोबारा अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ए डबल डेस आर बराबर क्या हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाय टू रहेगा, और डॉट में क्या हो जाएगा माइनस का पाई, क्या हो जाएगा माइनस का पाई। तो यहाँ से आपके पास ए डबल डेस आर क्या आ जाएगा, ए डबल डेस आर, देखो मैं यहाँ से पाई बाय टू कॉमन लूँगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये पाई चला गया और दो कॉमन लिया नीचे से तो ऊपर वाला गुणा हो गया कितना हो जाएगा चार, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक पाई पाई बाय टू चला गया बाहर तो एक पाई यहाँ पर बच जाएगा तो फोर प्लस पाई आ जाएगा, इक्वेशन नंबर तीन। अब आपको करना क्या है, देखो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए समीकरण दो से ए डेस आर बराबर क्या ले लेंगे, बराबर जीरो लेने पर ए डेस आर को क्या लोगे जीरो, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो ए डेस आर बराबर जीरो लेने पर क्या आएगा टू पाई आर माइनस पाई बाई टू 14 माइनस पाई आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो मैं इसको इधर ले जाऊं या आर वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं देखो इसको अंदर गुणा करवा रहा हूँ या अंदर गुणा ही करवा दो, ये क्या हो जाएगा या पाई बाय टू कॉमन ले लो, एक बार पाई बाय टू कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो टू आर, ये हो जाएगा पाई बाय टू कॉमन लेने पर फोर आर माइनस 14 प्लस पाई आर, ठीक है बराबर जीरो, इसका भाग लगेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा देखो आपके पास आएगा फोर आर माइनस प्लस के पाई आर माइनस के 14 बराबर जीरो, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा पाई प्लस चार, और ये जो 14 है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो जो आर आया वो कितना होगा 14 बटे पाई प्लस चार, ये एक पॉइंट आ गया क्रांतिक बिंदु आ गया आपके पास आर बराबर 14 बटे पाई प्लस चार। अब आपको करना क्या है, इस क्रांतिक बिंदु पर जो ए डबल डेस आ रहा है उसका मान हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो यहाँ से हम चेक करने के लिए रखो क्योंकि आर बराबर 14 बटे पाई प्लस चार पर ए डबल डेस 14 बटे पाई प्लस चार बराबर क्या होगा, देखो इसमें आर का तो कोई पद है नहीं तो वो को वह पद आ जाएगा पाई प्लस चार, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसलिए द्वितीय
अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण से जो आर बराबर 14/π+4 था वो क्या हो गया, स्थानीय निम्नतम बिंदु, क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तब वर्तुव वर्ग का क्षेत्रफल भी न्यूनतम होगा, वर्तुल वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब हमको देखो, दोनों टुकड़ों की लंबाई पूछी थी तो न्यूनतम हो गया क्षेत्रफल, तो अब यहाँ से देखो टुकड़ों की लंबाई की मतलब 2πr हमको ज्ञात करना है, r की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम पहला निकालेंगे क्या, वर्त या वर्ताकार तार के टुकड़े की लंबाई, वो क्या होगी, देखो पाई 2πr, और आर की वैल्यू जब हम रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2π गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 14/π+4, तो यहाँ से ये कितनी आ गई, 28π/4, ये तो आ गई वर्ताकार तार की। और यहाँ से आप निकाल लोगे दूसरा क्या, वर्गाकार तार के टुकड़े की लंबाई, ठीक है, वो क्या होती है, देखो वो होगी 4×x, और x की वैल्यू कितनी थी, 4×x की वैल्यू कितनी थी, देखो 14-πr/2, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 गुना होगा तो 28-π×2π×, ये हो जाएगी 14/π+4, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो 28π-56 112, और ये हो जाएगा माइनस का 28π/4, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ये हो जाएगी, ये 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का रहेगा 112, तो 112/π+4 क्या होगी, इस तार के टुकड़े की लंबाई होगी, वर्गाकार तार की, और ये जो 28π/4 होगी वो क्या होगी, वर्ताकार तार की लंबाई होगी। थैंक यू।